नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज मैं आप सबसे बात करूंगी मैरिज के बारे में। क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं एस्ट्रोलॉजी में जो कि बताते हैं कि जी मैरिज जल्दी होगी या मैरिज लेट होगी, और देर इज़ अ कंप्लीट डिनाइल ऑफ मैरिज, और सबसे ज़रूरी कि मैरिज जो है एक हैप्पी मैरिज होगी और वेदर इट विल नॉट बी सो हैप्पी। सो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। मैरिज के लिए ज्योतिष में जो ग्रह देखा जाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट ग्रह है, वो है शुक्र, वीनस। वीनस की जो कंडीशन है वो डिपिक्ट करती है आपकी मैरिड लाइफ को। वीनस के अलावा जो दूसरा ग्रह है वो है जुपिटर। तो वीनस, जुपिटर एंड सेवेंथ हाउस, ज्योतिष में आप सबको ही पता होगा कि 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो जो शादी का जो घर होता है वो सातवां घर होता है, सेवेंथ हाउस होता है। वो मैरिज के लिए भी देखा जाता है, पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है, एंड मैरिज इज़ अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप ओनली, राइट। तो हम मेन चीज़ देखेंगे कि शुक्र हमारा कैसा है हमारी कुंडली में और गुरु कैसा है। ये एक बात है जो मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, आज मैं फिर से बोलूँगी। ज्योतिष में कोई भी प्रिडिक्शन जो है सिर्फ एक ग्रह के बेसिस पे या एक घर के बेसिस पे नहीं की जाती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 प्लैनेट्स एंड 12 हाउसेज। इनका ही कॉम्बिनेशन और इनके परम्यूटेशन से जो है हम जो प्रिडिक्शन है उसको डिराइव करते हैं। एनीवेज, जब हम शादी की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं वीनस की पोजिशन। अब मान लीजिए आपका वीनस जो है अपनी ही राशि का हो। अपनी राशि से मतलब वीनस की राशियां हैं तुला, लीब्रा एंड टॉरस, वृष। अगर वीनस जो है आपका लीब्रा में है या टॉरस में है तो इट इज़ अ गुड वीनस, राइट। तो इट शोज दैट आपकी जो है मैरिड लाइफ अच्छी होगी। जुपिटर जो, जैसे मैंने कहा, जुपिटर खास करके एक लड़की की कुंडली में जो है हम जुपिटर जो है उसको हस्बैंड का कारक मानते हैं, और एक मेल चार्ट में हम वीनस को जो है वो वाइफ का कारक मानते हैं। वैसे शादी के लिए हम वीनस की पोजिशनिंग सबसे पहले देखते हैं। या मान लीजिए, जैसे मैंने कहा, आपका जो है वीनस अपनी राशि का हो या उच्च का हो, एग्जॉल्टेड हो। एग्जॉल्टेड वीनस मतलब वीनस मीन राशि में, पाइसीज में हो तो एग्जॉल्टेड वीनस होता है। अगर ये कंडीशन हुई तो आपकी मैरिज जो है जल्दी होने के चांसेस हैं। अब मान लीजिए कि वीनस जो है सैटर्न के साथ है। अगर वीनस सैटर्न के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है तो उस केस में मैरिज जो है इट विल बी अ लेट मैरिज, डिनाइल ऑफ मैरिज। डिनाइल ऑफ मैरिज के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं वैसे तो देखने के लिए, पर जो मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि वीनस के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं, एनिमी प्लैनेट्स कौन है वीनस के, सन और मून। यदि वीनस का कनेक्शन सन से स्पेशली अगर हो रहा है और इसमें सेवन्थ हाउस में हो रहा है, या सेवन्थ हाउस से कोई कनेक्शन बन रहा है आपकी कुंडली में, इन दैट केस देयर कैन बी अ डिनाइल ऑफ मैरिज। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी हम अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्या करें कि जी हमारी जो अगर देर इज़ अ लेट मैरिज तो जल्दी शादी हो, या मैरिड लाइफ है जो इम्प्रूव हो या बेटर हो। देखिए, वीनस जो है इट इज़ अ फीमेल प्लैनेट। वीनस जो है वो कारक है स्त्री शक्ति का। तो आपके आसपास जो भी फीमेल्स हैं, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे आपकी कलीग्स हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स हो, प्लीज़ ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, गिव देम ऑल द लव, आपका वीनस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सेपरेशन की। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई सेपरेशन दिखता है, देखिए पहले तो अगर सेपरेशन के चांसेस आते हैं तो वो एक कुंडली के, एक ही पार्टनर की कुंडली को देख के हम कंक्लूजन नहीं डिराइव कर सकते। उसके लिए हमें दोनों पार्टनर्स की कुंडली देखनी ज़रूरी है, तभी हम कोई कंक्लूजन पे आ सकते हैं। एंड इन दैट केस ऑल्सो सेवन्थ हाउस, जैसे मैंने कहा कि मैरिज का हाउस है, एट्थ हाउस जो है वो सेपरेशन का हाउस है। यदि सेवन्थ हाउस और एट्थ हाउस का कनेक्शन बन रहा है तो चांसेस हो सकते हैं कि सेपरेशन हो। उसके अलावा ज्योतिष में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है दशा, कि आपकी शादी के समय पे क्या दशा है, क्या जब मैरिज में कोई डिस्टर्बेंस चल रहे उस टाइम पे क्या दशा है, वो बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करती है। जैसे कई लोगों की शादियां जल्दी हो जाती हैं, कईयों की लेट होती हैं, तो वो कैसे होता है, वो दशा पे होता है कि कईयों की शादी से रिलेटेड दशा जल्दी आई तो उनकी जल्दी शादी हो गई, कईयों की लेट आई तो उनकी लेट हुई। सो ऑल डिपेंड्स कि दशा आपकी उस समय पे क्या है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हम जब भी शादी की बात आती है, वो ये है कि जी कुंडली मिलान, कि जी कुंडली मिलान करना चाहिए शादी से पहले। एक पार्टनर मांगलिक है तो क्या दूसरा पार्टनर भी हमें मांगलिक ही ढूंढना चाहिए, इस चीज़ को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। कुंडली मिलान और मांगलिक, ये दो टॉपिक्स पे मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। यू कैन गिव मी योर फीडबैक ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज़ एस्ट्रो रिधि बहल, ऑल्सो on my website which is www.ridhibehl.com, and you can follow me on Facebook by the name of Astro Ridhi Behl. Till then, please take care of yourself.